जय श्री राम। राम राम। नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के स्टूडियो में बिहार टीचर बहाली सातवें चरण प्राइमरी माध्यमिक उच्च माध्यमिक सीटेट बीटेट स्टेट के बारे में कुछ जरूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है सातवें चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें करने वाले हैं। आज की बड़ी खबर, स्कूल में विद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पद समयबद्ध तरीके से भरें केंद्र। जो बड़ी खबर है आज की, विद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पद जो खाली पद हैं उन्हें समयबद्ध तरीके से भरने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है और इस संबंध में दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। और यह भी जिक्र किया गया है शिक्षा नीति के अनुसार से, जो NEP की बात करें तो इस अनुसार से 30:1 में शिक्षक के बारे में भी जो आज की बड़ी खबर है। और आप लोग जानते हैं बिहार में शिक्षकों की भारी कमी है, खास करके जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक के उच्च माध्यमिक विद्यालय के लक्ष्य पूरा हो चुके हैं, जो प्रत्येक पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय का लक्ष्य, लेकिन शिक्षकों की भारी कमी है। और बजट के दौरान भी बातें स्पष्ट हुई है, 1,30,000 पद जो शिक्षा बजट के दौरान, और जो वित्त मंत्री भी स्पष्ट किए हैं 44,193 पद माध्यमिक शिक्षक के और 89,734 पद उच्च माध्यमिक शिक्षक के, और इसके अलावा कंप्यूटर शिक्षक के 7,360 पद और इसके अलावा 33,916 पद में 1,000 कंप्यूटर शिक्षक के पद, तो कुल मिलाकर 8,360 पद हो जाते हैं कंप्यूटर शिक्षक के। तो ये सभी बातें स्पष्ट हो रही है, तो शिक्षकों की भारी कमी है। और केंद्र भी आप लोग देख लोगे, स्कूल में शिक्षकों के रिक्त पद खाली पद समयबद्ध तरीके से भरे केंद्र। तो बड़ी खबर है, जो भी सातवें चरण का इंतजार कर रहे हैं प्राइमरी के लिए भी 80,000 पद के बारे में शिक्षा बजट के दौरान बातें स्पष्ट हुई है। तो ये सभी पद हैं और खाली पद हैं और ये निर्देश दिए गए हैं, दिशा निर्देश आप लोग देख रहे होंगे। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, लेटर जारी हुआ है, आप लोग देख रहे होंगे। कैबिनेट बैठक, मंत्री परिषद की बैठक की तिथि के बारे में आप लोग देख रहे होंगे, समय भी आप लोग देख रहे होंगे। तो ये जानकारी है, तो देखना होगा आगे नई नियमावली को लेकर क्या बातें निकलकर सामने आती हैं। अब आगे आप लोग ये देख रहे होंगे, तो काफ़ी समय से अभ्यर्थी नई नियमावली का इंतज़ार कर रहे हैं और बार बार निराशा ही हाथ लग रही है। कुछ भी जो बड़ी खबर, जो खुशखबरी देखने को नहीं मिल रही है सातवें चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों को, तो आगे देखना होगा नई नियमावली को लेकर क्या बातें सामने आती हैं, खुशखबरी देखने को मिलती है या फिर से सभी अभ्यर्थी को उम्मीद ही करने होंगे, यह देखना होगा। काफ़ी समय से अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं, काफ़ी समय बीत चुके हैं नई नियमावली का इंतज़ार करते करते, यहां तक कि बिहार के शिक्षा मंत्री के माध्यम से भी बातें स्पष्ट की गई थी 24 फरवरी के बारे में, और महीना भर के अंदर में बातें की गई थी। और पिछले जो आप लोग जानते हैं फरवरी महीने की ही बातें हैं, लेकिन काफ़ी समय बीत चुके हैं और लगातार अभ्यर्थियों को इस बात को लेकर निराशाजनक खबर ही सुनने को मिलती है। जो कैबिनेट बैठक के बाद कुछ भी जो सातवें चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी देखने को इधर नहीं मिल रही है, तो ये बातें हैं। अब आगे आप लोग देख सकते हैं, तो फिर भी सभी अभ्यर्थी मिलजुल कर प्रयास करें, सातवें चरण के विज्ञापन के लिए प्रयास करते हैं, तो हो सकता है जारी हो सकता है। इससे पहले आप लोग ये जानकारी देख रहे होंगे, जो बिहार स्टेट 19 क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के बारे में बात करने वाले हैं, आप लोग ये जानकारी देख रहे होंगे। तो नीचे का लाइन आप लोग देख रहे होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी नहीं हुए हैं, यह भी हो सकता है उतना ही रिजल्ट हो जितना को सरकार सीट बढ़ाकर नौकरी पक्की कर सके, जैसे कि क्वालिफिकेशन, अपियरिंग, अन्य जॉब, ये सब का मामला हो। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जितने भी क्वालिफाइड हैं आप लोग देख सकते हैं, अन्य सभी विषय में कोई समस्या नहीं है, इन दो विषयों में भी रिक्तियों की संख्या को बढ़ाते हुए नौकरी पक्की हो सकती है, अधिक से अधिक क्वालिफाइड की नौकरी पक्की या फिर लगभग सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की भी हो सकती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। और आप लोग देख लोगे, जितना ही
उतना ही रिजल्ट हो जितना कि नौकरी पक्की, सरकार सीट बढ़ाकर हो या फिर जैसे हो कर सके। जैसे कि आप लोग जानते हैं 12 मार्च 2021 को रिजल्ट जारी करते हुए सभी विषय में सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की का आश्वासन सरकार, शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री, सचिव द्वारा दिए गए थे। 3 महीने के बाद बड़ा बदलाव किए गए, बड़ा उलटफेर किए गए, लेकिन वो उस समय में आप लोग जानते हैं कि जो चुनाव के वर्ष भी नहीं थे 2024 में और 25 में आप लोग जानते हैं चुनाव होने वाले हैं, तो हो सकता है जो सरकार द्वारा और उस समय में 6ठे चरण की प्रक्रिया भी समाप्त नहीं हुई थी, तो हो सकता है जो सरकार द्वारा जो ये सब बातों को लेकर देरी की गई हो। और अब तो बिहार के जो मुख्यमंत्री के माध्यम से भी बड़ी बड़ी बातें की जाती है, बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में कई लाख शिक्षकों की बहाली के बारे में, जहां भी शिक्षकों की कमी है वहां शिक्षकों की जल्द बहाली हो, और बिहार के मुख्यमंत्री के अलावे बिहार के शिक्षा मंत्री द्वारा भी बातें की जाती है। 2023 का वर्ष नियुक्ति वर्ष होने वाला है और 10 लाख सरकारी नौकरी के बारे में जो बिहार के उप मुख्यमंत्री जी बातें करते हैं।